सेक्स टाइम या सेक्स पावर बढ़ाने के लिए 12 टिप्स आपको मैं अभी देने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। काफी सारे लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, ऑनलाइन वीडियो कॉल करने के लिए हमें कांटेक्ट करते हैं। हमारे जो असिस्टेंट से हम संपर्क करते हैं और उनसे मेरी अपॉइंटमेंट लेते हैं, और उनके काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं कि भाई देर इज़ अ अर्ली डिस्चार्ज, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, प्री मैच रिजैकुलेशन होता है, फिर बहुत हीनता लगती है, बहुत गिल्ट लगता है, दोषी लगते हैं कि भाई मैं अपने पत्नी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ, हीन भावना आती है, उससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं और फिर दरार आके कभी डिवोर्स तक भी बात जाती है, झगड़े झंझट होते हैं, डिवोर्स तक भी बात जाती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ लोगों का तो एकदम ऐसा हो जाता है कि इतना जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है कि एक आधे मिनट भी लगता नहीं और उसके अंदर ही उनका डिस्चार्ज हो जाता है, उनको प्रॉब्लम आते रहता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको टिप बताता हूँ। उसके लिए थोड़ी जानकारी हमारे हॉस्पिटल के बारे में देता हूँ कि हमारा हॉस्पिटल जो अकोला में है, यहाँ मनोरुग्ण, मानसिक रुग्ण जो है वो शराबी लोग है, फिर नशीले पदार्थ जिनके जो लोग लेते हैं, नशा करते हैं वो लोग हैं, मंदबुद्धि के, आक्रामक, वायलेंट, हिंसक लोग जो है उनको हम बिना रिश्तेदार भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। जो लोगों को पेशेंट के साथ में रहना मुश्किल है, नहीं हो सकता है, वो अकेले हम करें या पेशेंट को भर्ती करते हैं, अच्छा करके ले जाते हैं। जिनको घर में पेशेंट रखने के लिए तकलीफ है तो वो भी लंबे समय के लिए हमारे यहाँ पेशेंट को रखते हैं। तो मंदबुद्धि के हैं, प्रौढ़ नागरिक है, जिनको डिमेंशिया हुआ है, याददाश्त नहीं रहती, घर में रखना मुश्किल है, उनको भर्ती करते हैं। तो ये हमारे पास में इलाज है। उसके अलावा फिर काफ़ी सारे सेक्स सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास में लोग संपर्क करते रहते हैं। करीब करीब 1 करोड़ लोगों को हर साल, नए लोगों को ये प्रॉब्लम आता है दुनिया में, 1 करोड़ लोगों को हर साल ये प्रॉब्लम नए से आता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो एज है तो 18 से लेकर 50 साल की उम्र में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाया जाता है प्री मैच इजैकुलेशन का, मगर लोग बाहर बोलते नहीं है। मतलब एट एनी गिवन टाइम ऐसा हो सकता है कि मेल पॉपुलेशन जो है उसमें एट एनी गिवन टाइम 10% लोग इससे, ये प्रॉब्लम से सफ़र हो सकते हैं। तो एट एनी गिवन टाइम, और 10% लोगों को एट एनी गिवन टाइम ये प्रॉब्लम आएगा प्री मैच इजैकुलेशन का। अभी इसके लिए है क्या, ऐसा स्टडीज है कि भाई 1 मिनट से कम यदि हो जाता है कॉन्टैक्ट और 1 मिनट से कम ही पहले डिस्चार्ज हो जाता है, वो प्री मैच इजैकुलेशन है। नॉर्मल टाइम जो है वो 4 या 6 मिनट का रहता है। अभी आपको बढ़ाने का है वो टाइम तो बढ़ा सकते हैं। उसके लिए टिप्स कौन सी है बताता हूँ मैं। टिप नंबर वन ये है कि सेक्स में स्टॉप, स्क्वीज और स्टार्ट टेक्निक है। वो यदि टेक्निक का आप वापर करते हैं, मास्टर्स एंड जॉनसन ने टेक्निक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं हमारे पेशेंट्स को साइकोथेरेपी करता हूँ, सेक्स थेरेपी करता हूँ, उसमें ये टेक्निक बताता हूँ, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। दूसरा जो है कीगल्स एक्सरसाइज है, और कीगल्स एक्सरसाइज यदि आप करते हैं तो वो एक्सरसाइज में पेल्विक मसल जो है, नीचे की मसल्स, उसमें ताकत आती है, पावर आती है, और उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तीसरी जो टिप है वो है कि SSRI की जो दवाई है उसमें सेरोटोनिन बढ़ाने वाली दवाई, उसमें फ्लॉक्सिटिन, पेरोक्सिटिन, डेपॉक्सिटिन ऐसी जो दवाई है वो दवाई, या फिर बेंजोडाइजेपिन्स ग्रुप की जो दवाइयाँ, वो दवाइयाँ लेके फ़ायदा होता है, उसमें सेक्स टाइम बढ़ता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फर्क पड़ता है। चौथा है कि रिवर्स काउंटिंग। हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई आप जब इंटरकोर्स करते हैं तो आपका काउंटिंग रिवर्स करो, यानी अपना जो अटेंशन है वो वहाँ से डाइवर्ट करो, उल्टी गिनती करो, या कोई टेंशन के विचार लाओ, और वो विचार जो दिमाग में लाते हैं तो इधर आप ज़्यादा समय तक टिक सकते हैं। पाँचवा जो है वो है शिलाजीत और अश्वगंधा, है आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये मेडिसिन से भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। देखिए इसमें बाज़ार में जो दवाई मिलती है, जो दवाई में बैल का चित्र, सांड का चित्र, घोड़े का चित्र, ऐसे चित्र वाली दवाई बहुत महंगी महंगी मिलती है, उसमें पता नहीं क्या होता है, वो लेके कुछ फ़ायदा है नहीं, तो वो दवाई कभी लेना नहीं है। फिर छठवां जो है वो है कि उसका जो स्किन है पेनिस के ऊपर, मतलब ग्लांस पेनिस के ऊपर जो स्किन आता है, वो स्किन थोड़ा कट करते हैं, तो स्किन कट करने के बाद में भी काफ़ी लोगों को उसमें फ़ायदा होता है, तो वो सरकमसीजन से भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा
होता है। सातवां जो है, सातवीं टिप वो है कि डेपॉक्सिटिन के साथ में टाडालाफिल जैसी गोली मिक्स करके लेना, मतलब ये कॉम्बिनेशन लेना, उसमें भी बहुत लोगों को फायदा होता है। आठवां टिप है, एथ प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज कंडोम जो एनिस्थेटाइज्ड है, नीरो जो एनिस्थेटाइज्ड है, एनिस्थेटिक मेडिसिन उसके अंदर है जिससे पेनिस को नमनेस आता है और उसमें फायदा होता है। नौवा जो है वो है ऑइंटमेंट लगाना या स्प्रे मारना, और स्प्रे ऑइंटमेंट है जैसे लाइडोकेन ज़ाइलोकेन जैसे है कि जिसमें वो 2% या 5% लगाते हैं, कुछ स्प्रेज है वो मारते हैं, तो उससे भी बहुत फायदा होता है। दसवां जो है वो है लेजर थेरेपी। लेजर थेरेपी से सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा जो है वो कम कर सकते हैं और उसमें भी काफ़ी लोगों को फायदा होता है। एलेवंथ टिप जो है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन या सेल्फ हिप्नोसिस सिखाते लोगों को, जिससे एक्साइटमेंट जो है ब्रेन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, वो एक्साइटमेंट क्वाइटन करना, कम करना है, और जिससे लोगों को बहुत फायदा होता है। और आखिरी का जो है वो है ट्वेल्थ। ट्वेल्थ वो है कि भाई पेनाइल रिंग्स जो आती है, ऐसी रिंग्स पेनिस के ऊपर ऐसे टाइट लगाते हैं कि जो टाइट रिंग्स का वापर करते हैं जिससे डिस्चार्ज जो है वो जल्दी होगा, नहीं वो कुछ समय के बाद में डिस्चार्ज होता है। तो ये 12 टिप्स का वापर आप करते हैं तो होता है, आप कभी भी अपने आप को पॉन वीडियोज से कंपेयर मत करना। पॉन वीडियोज में जो टाइम बताया जाता है वो सब झूठ है, वो एक्टिंग है। उसमें कुछ लोगों को दवाई देके इतना टाइम बढ़ाने के लिए बोलते हैं, इंजेक्शन देते हैं, कुछ आर्टिफिशियल कंडोम्स लगाते हैं और दवाई ले लेके वो, और शूटिंग का वो सब खेल है। ऐसा लगता है कि भाई आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटे सेक्स चलता है, तो ऐसा नहीं है। नॉर्मल सेक्स का टाइम 4 से 6 मिनट है। एवरेज में 2 मिनट से लेके 15 मिनट तक लोग करते हैं, 2 मिनट और 15 मिनट। अभी DSM-5 क्राइटेरिया जो है बोलते हैं 1 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। मेरा एक ही क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया ये है कि पति पत्नी दोनों को संतुष्टि आना चाहिए बस, बाकी फिर टाइम बढ़ाने का कोई कारण है नहीं। मगर तभी भी ये 12 नुस्खे आप वापरते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। काफ़ी ब्याह जो है वो टूटने पर आए हैं जिसकी वजह से वो टूटेंगे नहीं। लोगों का सेक्स लाइफ अच्छा रहेगा तो मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा, उनका परिवार सुखी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं ऐसा आप समझ जाओ। थैंक यू वेरी मच।